वेलकम टू माय चैनल लव गार्डन। आज मैं कोशिश कर रही हूँ जेट प्लांट की टोपियारी बनाने की। टोपियारी बनाना मुझे आता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत शौक है और कई जेट प्लांट भी मेरे पास हैं जिसे आप देख रहे हैं। तो कोई तो कोई डिज़ाइन तो बनी जाएगी, मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरे पास कुछ तार भी नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें अवेलेबल है उससे ही मैं कोशिश कर रही हूँ। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसको मैं एक ट्री का शेप दूंगी। ये काफ़ी घना है और 2-3 साल पुराना प्लांट है। इसकी ब्रांचेस कट करके और नीचे से इसको मैं एक रस्सी से बांध दूंगी। इस प्लांट को बांधने के बाद इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसकी बाद मैंने इसको साइड से गोल करके एक ट्री का कर दे दिया है। और इसके बाद मैंने दूसरे प्लांट को की टोपियारी बनाई है, पिकॉक की। पिकॉक के लिए मैंने वायर का यूज़ किया है, क्योंकि इसकी गर्दन को फोल्ड करना होता है। बाकी मैंने तार से बांध दिया है, ब्रांचेस को उठाकर इसको गोल करके बांध दिया है। नीचे मैंने इसके टेल के लिए भी छोड़ रखा है, जिससे कि ये आगे चल के बढ़ता जाए। और उसके बाद 2-3 महीने के बाद ये टेल लंबा हो जाएगा। बाद में मैं इसकी प्रूनिंग करती जाऊँगी, जिससे कि ये एक्स्ट्रा चौड़ा न होने पर शेप में आ जाए और घना होता जाए। साइड में आप दूसरी भी टोपियारी देख रहे हैं जो मैंने पहले बनाई थी। आप पिकॉक को नज़दीक से देख रहे हैं और इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं उसको मैं प्रूनिंग कर दूँगी और इस तरह से ये शेप दिखाई दे रहा है। इसके बाद जितने भी कटिंग होती है, वो सारी कटिंग मैं एक बास्केट में लगाती जाती हूँ या छोटे पॉट में, और इसमें रूट्स आ जाते हैं। ये थर्ड प्लांट है जिसको मैंने ब्रांच एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकाल के 3-4 ब्रांचेस रखी है और एक ट्री का शेप दिया है। ये प्लांट भी 2 साल पुराना है था, जिसको मैंने एक ट्री का शेप दिया है। फर्स्ट टोपियारी जो आपने देखी थी वो इस तरह की है ट्री, जिसको मैं कट करती जाती हूँ। जब भी इसमें ब्रांचेस निकलती है मैं कट करती जाती हूँ। ये कटिंग लगाई हुई कटिंग है जिसमें रूट्स आ गई हैं, और इनको मैं एक्स्ट्रा जितने भी है निकाल के, बीच में एक बड़ा प्लांट है उसको मैं एक बर्ड का शेप दूंगी। इसलिए मैं इसके साइड की जितनी भी एक्स्ट्रा प्लांट तैयार हुई है उनको निकाल के अलग लगा दूंगी। इस प्लांट में का शेप इस तरह का ब्रांचेस निकली हुई हैं कि इससे आप फ्लाइंग बर्ड बना सकते हैं। तो मैं इसको एक फ्लाइंग बर्ड का शेप दूंगी। इस तरह से इसके कुछ फ्रंट के ब्रांचेस को एक साथ मिलाकर इसके फेस को दूंगी, और बाकी उड़ते हुए पंख है और पीछे इसकी टेल है। और इस तरह से मैं इसे मोड़कर एक फ्लाइंग बर्ड का शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपनी कोशिश में कितनी कामयाब हुई हूँ ये आप मुझे बताइएगा। इसको मैंने एक बर्ड का शेप दिया है, शायद ये बर्ड के शेप में आ भी गया है। और इस तरह से मैंने कई टोपियारी बनाई है जेट प्लांट की। अभी भी जेट प्लांट की कटिंग जो मैं लगाती जाती हूँ उससे कई प्लांट तैयार हो रहे हैं, और आगे भी मैं कोशिश करूँगी। इस तरह से मैंने 10-15 दिन बाद फिर से इसकी कटिंग की है और ये शेप में आने लगा है। एक और नए प्लांट से मैंने पिकॉक बनाया है। ये पुराना प्लांट था, बास्केट में लगा, हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ था, जिसको मैंने फोल्ड करके पिकॉक बनाया है। इससे देखिए आप, इसमें टेल ज़्यादा लंबा हो गया, टेल काफ़ी अच्छा हो गया। बॉडी का शेप इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे भर जाएगा और इस शेप में आ जाएगा। कोशिश की है मैंने बनाने की, अब 1-2 महीने बाद देखते हैं इसका क्या होता है। इस तरह से मैंने एक कोशिश की है अपना शौक पूरा करने के लिए। आप भी अपना शौक पूरा कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है डिज़ाइन बनाना, तो आपके पास जेट प्लांट है, फिर आप उस पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। मेरे चैनल लव गार्डन को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।